अम्मी की तस्वीर देख रहे हैं फोन पर। हाँ, तुम्हारी माँ की यादें ही तो हैं, और इन्हीं के सहारे मैं अपनी जिंदगी के दिन गुजार रहा हूं। What a beautiful woman. Such a beautiful picture. कॉफी पिए। थैंक यू। ऐसे बाबा इतना इश्क आपने अम्मा से तब भी नहीं किया होगा जब वो जिंदा थी। रिश्ता ही ऐसा है शायद। इंसान इंसान की बात है, हर कोई इस रिश्ते को ऐसे निभा भी नहीं सकता, और हर किसी के नसीब में रिश्ता होना जरूरी भी नहीं है। मुझे तुम्हारी माँ से इश्क था, इश्क है। सच कहती हो तुम। उसके जाने के बाद मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि मेरे लिए वो क्या थी, क्या है, और मरते दम तक क्या रहेगी। काश मैं। बाबा आप, Why don't you go back to Piranpur? आप जानते हैं आपके मुरीद आपको देखने के लिए तरस रहे होंगे, एंड इट्स बीन सो लॉन्ग, आप वापस ही नहीं गए। पीरमपुर से मेरा दिल चाट हो गया जैसे, पर तुम हो ना मेरी हिम्मत, मेरी उम्मीद। ओके, हियर इज व्हाट आई थिंक। आप बेशक पीरमपुर में नहीं है, लेकिन आपके नाम की वजह से आज भी आपके मुरीदों का फेथ इतना स्ट्रांग है कि आज भी वहां पे आपके नाम की रूहानी गद्दी कायम है। आपके मुरीद आपके लिए जान देने को तैयार है बाबा, और इस हालत में अगर वो अकेले पड़ रहे हैं तो आप उन्हें इस तरह छोड़ नहीं सकते। यू मस्ट गो बैक। तुम्हारी हिम्मत मुझे हैरान कर देती है, और जब कभी मैं कमजोर पड़ने लगता हूँ ना, मुझे दोबारा खड़ा कर देती है। और आपको पता है कि मेरी सारी हिम्मत मुझे आपसे मिलती है। चार वक्त आ गया है कि तुम अपनी माँ का वो हक जो पीरापुर ने उसे नहीं दिया था उसे हासिल करो। हमें पीरापुर जाना होगा। इसका मतलब समझती हो ना तुम?